मांगना तो मरने के समान हुआ करता है, मांगूंगा नहीं। लेकिन बहुत दिनों से द्वारिकाधीश को देखा नहीं, वो क्या जाने द्वारिकाधीश क्या है, उसकी नजरों में तो आज भी कन्हैया है, आज भी वही कृष्ण है, आज भी वही कान्हा है जो जंगलों में गाय चराया करता था। वही सोच के जा रहा, गरीब है, तन पे कपड़े नहीं, हो क्या जाने सम्राट क्या होते हैं। वही दिमाग में रख के जाता है, वही कन्हैया मिलेगा, वही कृष्ण मिलेगा। बचपन में चरे चुरा कर खाते थे, माखन चुरा कर खाते, वही मिलेगा मेरा दोस्त। जैसे ही द्वारिका में पहुंचा, क्या देखता है, सोने की द्वारिका, इतनी सुंदर। रोज प्रातः है जिसकी बीथियों पर गुलाब जल सिंचा जाता है, यहां बेल लताएं लहराती हैं, द्वार द्वार तोरण द्वार बने हैं, रंगोलियां चौक बनकर के दरवाजों पर पड़ी है, हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आंख फटी की फटी रह गई उसकी, ये द्वारिका, स्वर्ग जैसी द्वारिका। ऐसा लगता है देखकर इंद्र की अमरावती धरती पर उतर आई हो, बड़े बड़े गजराज, अश्वरोही, पदयात्री, देख करके आंख फटी रह गई। उसने कहा, पगली, कहां भेज दिया तूने मुझे, इतनी सुंदर द्वारिका नगरी, सोने की द्वारिका थी। ध्यान रखना, जिस नाम के पीछे का लग जाए ना, वहां सोने ही सोना होता है। नहीं मालूम द्वारिका काय की थी, सोने की, लंका काय की थी, अमेरिका, सोने ही सोना। ध्यान रखना, जहां का लग गया वहां कंचन ही कंचन है। माने गया देखा, इतनी सुंदर द्वारिका, आगे फटी की फटी, पूछा जा करके रायगीरों से, हो भाई, बोले चल है, बोले नहीं, इतना बता दो द्वारिकाधीश कहां रहते हैं। अरे लोगों ने कहा, पागल, गांव का गवारिया, द्वारिकाधीश कहां रहते हैं, सम्राटों के महल नहीं जानता तू। महल में रहता मेरा कन्हैया, जो गाय चराता था, लकड़ी लेकर के माखन चुराता था गोपियों से, वो महल में रहता है। बोले हाँ, बोले मुझे बता दो, सुबह से शाम हो गई, द्वारिकाधीश का घर बता दो मुझे। किसी ने कहा, वो जो सोने का महल दिख रहा है ना, ये द्वारिकाधीश का महल है। आंखें चौंधी आ गई उसकी, द्वारिकाधीश इसमें रहते हैं। गया हारा सा, जब मित्र बहुत ज्यादा धनवान होता है ना, तो हीन भावनाएं मन में आती हैं, ये क्या पहचानेंगे मुझे, ये क्या जानेंगे मुझे, ये मुझसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। द्वारिकाधीश का महल, द्वार पे गया, भैया द्वारिकाधीश से मिला। लोगों ने चला, कहां द्वारिकाधीश, पागल है क्या, शकल देख, अपनी औकात देख, फटे पुराने चीखड़े पहना है। वो कह रहा, द्वारिकाधीश से मिला दो, मेरा बाल सखा है। बोले पागल हो गया, पागल खाने में डालो इसको, द्वारिकाधीश और इसके मित्र, ये फटे हाल कंगाल भिखारी, पागल हो गया है। कृष्ण महल में थे, द्वारिकाधीश भोजन को बैठ रहे थे, रुक्मणी ने भोजन परोसा, सप्तभामा पंखा जल रही है, कृष्ण कलश लेकर हाथों का आचमन कर रहे हैं, भोजन के लिए बैठना है, पीतांबर से हाथ पहुंच रहे हैं, खबर पहुंची कि जाओ मुझे मिलने दो, ये शब्द टकराए द्वारिकाधीश के कानों में। उन्होंने कहा, कौन है? सेवक गए, महाराज कोई एक भिखारी आपके दर पे आया है। भिखारी इतना जिद क्यों कर रहा है? पता नहीं महाराज, दिमाग खराब है उसका। क्या नाम है? बोले नाम तो कुछ बताता नहीं। बोले क्यों? पूछ के आओ, वो कौन है और कहां से आया है। सैनिक दूसरे दौड़े आए, बोले महाराज एक भिखारी है, आंखों में कीचड़ है, पैरों में पदत्राण नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, एक कंगाल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अपना नाम सुदामा बताता है, सुदामा मेरा मित्र। हाथों में कलश लिए थे, कलश फेंका कृष्ण ने, भागे दौड़े दौड़े भागे द्वार की ओर, दरवाजे की ओर। अरे पागलों से वहां क्यों खड़ा कर रखा है, उसे भीतर लेकर आओ सम्मान के साथ। महाराज आप नहीं समझ रहे ये कौन है। अरे छोड़ो, कहते हैं नारायण कृष्ण दौड़े दौड़े भागे, पीतांबर नीचे गिर गया, जाके देखा सुदामा खड़ा है। पगले, देखा सुदामा ने पीतांबर वस्त्र धारण किए, मोर मुकुट धारण किए, नारायण श्री कृष्ण।
राजा जी के पास आते हुए द्वारिकाधीश नजरें झुका ली सुदामा ने। कृष्ण ने कहा मित्र तुम यहां कैसे खड़े, क्या हाल बना रखा है तूने। लिया कृष्ण ने और आलिंगन बद्ध कर लिया अपने मित्र का। मान्यवर शायद तुम्हारे रिश्तेदार भी वो प्यार नहीं दिखाएंगे जो प्यार एक दोस्त और मित्र से प्राप्त हुआ करता है। लपेट लिया आलिंगन में, संकुचित है सुदामा, क्या करे इतने बड़े सम्राट और मैं कहां का कंगाल भिखारी। हाथों का सहारा देकर कृष्ण ले गए। रुक्मणी ने देखा कौन है इतने सम्मान से लेकर आ रहे हैं, ले जा करके बिठाया ऊंचे आसन पर। रुक्मणी से कहा इसके पैर धो, देखो कैसे पैरों में बीमारी फट रही है, खून रिस रहा है, पागल कहीं का पदत्राण भी नहीं पहनता है। कलश से पैर धोए, संकुचित है सुदामा। ऐसे भी कोई दोस्त होते हैं दुनिया में, ऐसे भी कोई मित्र होते हैं दुनिया में। पैरों को अपने दुपट्टे से पोंच रहे नारायण कृष्ण, आंखों से आंसू गिरा रहे, पगले ये क्या हाल तेरा है, ये क्या परिस्थिति बना ली तूने, चल स्नान कर। स्नान कराया, गुलाब की पंखुड़ियों के जल से स्नान कराया, सुगंधित लेप लगाए, ये कैसा दीनहीन जीता है तू मेरा मित्र होकर। कुछ नहीं बोला अभी तक सुदामा, एक शब्द भी नहीं बोला। प्रेम जहां मुखर होता है ना तो शब्द मौन हो जाया करते हैं। कुछ नहीं बोल रहा, तू इतना लजाया सा क्यों है, तू इतना संकुचित क्यों है पागल, देखना मित्र के घर इतने बरसों के बाद तूने याद किया है मुझे, कहां था तू। कुछ नहीं बोला, मौन है। भोजन परोसा, कृष्ण ने कहा शादी कर ली, सिर हिला दिया हां। विवाह कर लिया और मुझे याद नहीं किया, एक बार तो मुझे खबर देता। मन ही मन कह रहा तुम कहां सम्राट और मैं कहां कंगाल, क्या तुम मेरे महल में मेरे झोपड़ी में शादी में विवाह में आते। अच्छा एक बात बता, भाभी कैसी है, तेरे जैसी बुद्धू है या थोड़ी समझदार है। मन ही मन कह रहा यदि वो समझदार नहीं होती तो आज मैं तुम्हारे महल में आया नहीं होता। बोला कुछ नहीं, चल भोजन कर। बोल सुदामा तू पहली बार आया है, भाभी ने क्या दिया है मेरे लिए, सम्राटों को एक भिखारी ने क्या देखी। हाथ से पकड़ लिया कमर में बंधा हुआ था दुपट्टा। कृष्ण ने कहा क्यों रे, हमसे चोरी करता है, हम चोरों के सरताज और तू हमसे चोरी कर रहा है। भूल गया कैसे माखन चुराया करते थे, कैसे मटकी फोड़ा करते थे, कैसे गोकुल में जीवन गुजारा करते थे। तू ही तो था ना जो खिड़की से मुझे अंदर करता था, जाओ कन्हैया माखन चुराओ। हम जैसे चोरों से चोरी कर रहा है पागल कहीं का, हम चोरों के। बता क्या दिया भाभी ने, क्या दे, 56 भोग सामने रखे हैं और कहां चिवड़े खिलाएगा। पकड़ लिया जोर से, कृष्ण ने कहा पागल तू छल मत कर मेरे से, मुझसे छल कर रहा है। बता क्या है, क्या भेजा, भाभी खाली हाथ नहीं भेजेगी। एक झपट्टा मारा नारायण कृष्ण ने, बिखर गए सारे चिवड़े जमीन पर। कृष्ण ने कहा ये भेजा है, बोले हाँ। बोले एक काम कर सुदामा, तेरी भाभी का बना भोजन तू कर और मेरी भाभी का बना भोजन मैं करता हूं। सुदामा ने कहा नहीं कन्हैया ऐसा मत करो, पहली बार शब्द निकले, ऐसा मत करो, मुझे शर्मिंदा मत करो। कृष्ण ने कहा पागल है क्या, ये देख मोहन भोग कर, ये 56 भोग कर। जमीन पर गिरे हुए चिवड़े नारायण कृष्ण ने उठाए, एक मुट्ठी खाई आनंद आ गया, प्रेम बरस गया। दूसरी मुट्ठी खाई और भी आह्लादित हो गए कृष्ण। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, ठहरो सब कुछ आप ही ले लोगे तो हमारा क्या होगा। इतना प्रेम देखा सुदामा ने, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, इतना स्नेह। मैं आपसे पूछता हूं आपके रिश्तेदारों में भी इतना प्रेम नहीं मिलेगा जो एक मित्र को एक मित्र से प्यार मिला करता है। ध्यान रखिए कैसी रिश्तेदारी निभाई नारायण कृष्ण ने, कैसी मित्रता निभाई कृष्ण ने। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, फेरो ना सब इसे ही दे दोगे तो हमारा क्या होगा।
सुदामा ने कहा कि ये मुझे देख कहां रहे हैं, ये तो जो तीन मुट्ठी चिवड़े लाए वो भी। रुक्मणी ने कहा नहीं प्रभु, हमारा भी ध्यान रखो। एक दिन हुए, दो दिन हुए, दस दिन हुए, सुदामा सोच रहा है कि कृष्ण कहेंगे कुछ ले लो, गरीबी मिटा लो, कन्हैया भी काय को बोलने वाले हैं, बहुत एक से एक कपड़े पहनाए, आभूषण दिए, भोजन कराया, महीने भर हो गए। अब मन तो हो रहा है कि वो पगली क्या कर रही होगी, लेकिन कृष्ण से विदा कैसे लूं, यदि मैं विदा हूंगा तो ये कुछ देने वाले, और मांगना मेरे सुख, मैं मांगूंगा तो बिल्कुल नहीं इनसे, सम्राट से, स्वाभिमान से जीते थे सुदामा। एक दिन कृष्ण ने कहा क्यों रे तू यहां मौज मस्ती कर रहा है महल में, भाभी की याद नहीं आती, रोज आती है, तो जाता क्यों नहीं, अकेली पड़ी है ना, जाता क्यों नहीं है। सुदामा ने कहा जाऊं, बोली जाओ, जाऊं, अरे जाना भाई, कितनी बार पूछेगा, तू आज ही चला जा। सुदामा ने कहा यार यूं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरा मित्र, मेरा बाल सखा, मेरे ये, और अब कह रहे हैं जा। तो बोले मैं जाऊं, कन्हैया समझ गया कि जाऊं 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 बार बार क्यों बोला जा रहा है, कि जैसा आया वैसे ही जाऊं। बोले पागल जा। फिर मुड़ मुड़ के देखता दरवाजे से, शायद अब द्वारिकाधीश बोल दे कि तू ये ले ले, अपनी गरीबी मिटा दे, मैं जाऊं क्या, अरे तू जाता क्यों नहीं है, चल तुझे दरवाजे तक छोड़ के आता हूं। जैसे ही गए दरवाजे पे छोड़ा, बड़े नाटक कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे, पैर में खून रिस रहा है तो दुपट्टे से पोंछ रहे थे, जाते समय एक रथ से छुड़वा देते, पैदल जाऊंगा उतनी दूर। रास्ते भर संदेह से भरा सुदामा पलट पलट करके देख रहा है, मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि अमीरों से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। कैसा कन्हैया, तूने बचपन में भी छला और अभी भी छला, महीने भर बहुत खिलाया पिलाया, जाते समय एक मोहर भी नहीं दी, कहा था उस पागल से मत भेज, महीने भर से इंतजार कर रही होगी, भूखी मर रही होगी। मन में उहा पोह लेकर जा रहा है, चलते गया चलते गया चलते गया, पैदल गया, कोई गाड़ी नहीं, कोई वाहन नहीं। जैसे ही पहुंचा द्वारिका में, क्या देखता है, द्वारिका से जैसे ही पहुंचा अपने झोपड़ी के पास, बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। उसने कहा ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल गया फिर द्वारिका वापिस आ गया। उसने गांव वालों से पूछा ये कौन सा गांव है, अरे ये तो देखो कितना बड़े महल, यहां पर हजारों लोग, ये तो झोपड़ा था, ये तो गांव था, मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे मेरे गांव का रास्ता बता दो, ये लगता है मैं एक महीने चला फिर द्वारिका में वापिस आ गया। लोगों ने कहा सुदामा ये अपना ही गांव है। बोले अपना कैसे हो सकता है, यहां तो झोपड़ी झोपड़ी थी, यहां तो खाने के लाले पड़े थे, मेरी पत्नी कहां है, एक महल के झरोखे में खड़ी है पत्नी सुशीला। उसने देखा, उसने कहा बाहरी तकदीर